आप सभी को राम राम। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक गुप्त रहस्य बताएंगे देव शनि महाराज के विषय में। शनि देव का तीन दृष्टि सभी विद्वान बताते हैं, एक चौथी दृष्टि भी है। तीन दृष्टि में तीसरा भाव, सातवां भाव, दसम भाव, इसको सभी विद्वान बताएंगे। एक चौथी दृष्टि है वो हम अकेले बताएंगे। अभी तक यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा इस शोध पे कोई पहुँचा है। क्या चौथी दृष्टि कौन सी है? ये पांचवी दृष्टि है जिसे छाया दृष्टि कहते हैं। काफी विद्वान अगर उच्च का शनि है, मकर राशि का शनि है, कुंभ राशि का शनि है या मित्र राशि में बैठा तो कहते हैं कि आपकी पूरी दशा सही निकलेगी। ऐसा नहीं, तीनों दृष्टि का अलग अलग रिजल्ट है। जब वो तीसरी दृष्टि जहां बैठकर के देखते हैं थर्ड भाव को, तो वहां से वो पीड़ा देते हैं। सातवीं दृष्टि जहां पड़ती है उस घर से उससे पाप कर्म कराते हैं, बाद में सजा मिलती है। और दसवीं दृष्टि मारक होती है। जब भी शनिदेव आपकी पत्रिका में गोचर से चतुर्थ भाव में आएंगे तो दसवीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी, जो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है। अब क्या करें? पांचवी दृष्टि, तो पांचवी दृष्टि जहां से भी शनि बैठेंगे उस घर से जीवन में कभी ना कभी कष्ट जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पत्रिका में शनि लगन में है, पांचवी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ी जहां उनका संतान भाव है, वहां संजय गांधी जी की मृत्यु हुई। राजीव गांधी जी के 11वें भाव में शनि पांचवी दृष्टि थर्ड भाव पे पड़ी, उनका छोटा भाई संजय गांधी उनके समक्ष सामने मृत्यु हुई। छोटा भाई बहनों का थर्ड भाव और बड़ा भाई बहनों का 11वां भाव। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दसम भाव में शनि है, पांचवी दृष्टि सेकंड भाव पे पड़ी जो कुटुंब और ससुराल का है, तो उनका कोई वहां से संबंध अच्छा नहीं है। पांचवी दृष्टि का निश्चित तौर पे कोई ना कोई नुकसान जीवन में प्राप्त होता है। अब देवगुरु शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं और ये 16 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी इनकी अपनी राशि है। पांच राशि वालों को निश्चित फायदा होगा, जैसे धनु राशि वालों का 7.5 जड़ से खत्म हो जाएगी, तुला राशि वालों की ढैया खत्म हो जाएगी और मेष सिंह और कुंभ राशि वालों का बहुत फायदा होगा। जितने उनके काम अटके हुए हैं सब काम उनके बनने लगेंगे। आपकी अगर ये राशि है तो आप निश्चित रहिए। अब आपको हम बताएंगे शनि की पीड़ा कम हो, कैसे शनि महाराज को मनाया जाए और कैसे शनि शुभ हो। जितने भी मजदूर किस्म के लोग हैं प्रत्येक शनिवार को इनको आप लोग कोई भी नमकीन चीज बांटें, ब्रेड पकोड़ा, समोसा, कचौरी इनको खिलाएं और 800 ग्राम काला नमक लेकर के प्रत्येक शनिवार को सर से वार के आप बहते जल में छोड़िए, आपका शनि शांत होने लगेगा। बहता जल चंद्रमा है और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। और प्रत्येक शनिवार को आप लोग कोशिश यही हो कि पीपल में एक दीपक जले शाम के समय। शाम यानी शनि, तो रात का मालिक कौन? शनि। एक दीपक जलाएं और शनि उनको पीपल की जड़ को या तना को पकड़ करके आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। देखिएगा कितना भी शनि आपका
कष्टदायक होगा वो धीरे धीरे आपकी निजी लाइफ में सरल होने लगेगा और आपके सब बिगड़े काम बनने लगेंगे। ऐसा हमारा पर्सनल शोध है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।